मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टू बी ऑनेस्ट, आज का व्लॉग इतना एनर्जेटिक नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी अ बिट इमोशनल, इट्स गोइंग टू बी अ बिट सैड, नॉट जस्ट फॉर मी बट पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के वो सभी क्रिकेट फैंस के लिए आज का व्लॉग बहुत ही इमोशनल होने वाला है। आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग माई स्टोरी एंड My opinions about a captain cool महेंद्र सिंह धोनी। एंड मैंने इस वीडियो के लिए ना और एक स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट किया है। उस गेस्ट का नाम है हेत। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा फैंटास्टिक होने वाला है। हर्ष भाई ने मुझे एक बेहतरीन काम के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। हम लोग ना लिटरली अभी भी होप कर रहे कि कुछ तो ऐसा जादू हो जाए। भाई वो धोनी है, वो हर लास्ट बॉल पे सिक्स मार सकता है, ऐसा जादू करता है। तो भगवान कुछ ऐसा जादू कर दो कि अगला वर्ल्ड कप ना धोनी खेले और इंडिया जीते। भाई मतलब क्या कर रहे, वी कैन ओनली होप। बट राइट नाउ मैं और मेरा भाई, हम लोग दोनों अपनी स्टोरी शेयर करने वाले कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑफ कोर्स सुरेश रायना, एंड हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर को ट्रिब्यूट देंगे। आई होप यू गाइज वुड एंजॉय द व्लॉग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नेक्स्ट इट एंड बी अ पार्ट ऑफ द व्लॉग। सो गाइज, महेंद्र सिंह धोनी, मुझे एक्चुअली प्रॉपरली याद नहीं कि मेरी एज क्या थी कि मैंने उनकी फर्स्ट मैच देखी, बट मेरे को उनका स्कोर जरूर याद है, 183 नॉट आउट। वो मैच में गांव में था, बहुत ही छोटा सा था मैंने तभी उनकी फर्स्ट मैच देखी थी एंड आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड। ये मैच शायद से मैंने जब भी देखी उसके बाद मेरे को लगने लगा कि नहीं, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। एंड बिल्कुल आई थिंक वही ईयर में 2020 वर्ल्ड कप क्या जीते हैं यार, मतलब बहुत मस्त वाला जीत है वर्ल्ड कप। सबसे बेस्ट फीलिंग थी वो 2007 की, श्रीशान का कैच, वो मिसबा ने शॉट मारा ऐसा एंड देन श्रीशान ने कैच पकड़ा एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड। मेरे को अभी भी वो टाइम याद है, इट वाज इवनिंग का लाइक 7:30 एंड आई वाज सो 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 हैप्पी अबाउट दैट थिंग। एंड उसी के दिन से ना मतलब धोनी ऐसा सीधा दिल में बैठ गया, मतलब उसकी इमेज प्रिंट हो गई है। एंड तब से लेके आज ना मेरे को जितना भरोसा धोनी पर है वैसा एक भी क्रिकेटर पे नहीं है। मतलब अगर आप बोल दो ना कि लास्ट ओवर में जीतने के लिए 25 रन चाहिए एंड अगर दूसरे जगह पर स्ट्राइक पर धोनी है ना, चल बॉलर को देखना है, धोनी क्या देखेगा, धोनी तो 25 क्या 30 भी मार देगा, इतना भरोसा है मेरे को उस पर। अगर ऐसा देखा जाए ना तो 2019 में अंपायर का भी फेस देखने जैसा था। जब भी थर्ड अंपायर डिसीजन आया कि ही इज रन आउट एंड देन अंपायर खुद सैड हो गए थे बिकॉज दैट वॉज अ क्लच मैच, लाइक जीत जाते थे, कसम से मैं बोल रहा हूँ, पूरा भरोसा है मेरे को, जीत जाते थे, बट वो रन आउट नहीं होना चाहिए था। खैर अभी हम लोग पास्ट में जाके चीजों को चेंज तो नहीं कर सकते, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई फील अबाउट हिज गेम एंड नाउ सम थिंग्स दैट आई रियली लर्न फ्रॉम हिम दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माय रियल लाइफ इज नंबर वन, स्टे कूल इन एनी सिचुएशन नो मैटर व्हाट। धोनी से ना एक चीज बहुत ही सबको सीखने मिलती है कि कोई भी कितनी भी प्रेशर वाली सिचुएशन हो, हमें हमेशा माइंड काम रखना चाहिए एंड कामनेस के थ्रू एक्ट करना चाहिए। वी शुड नेवर एवर एक्ट इन एंगर। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर लर्न फ्रॉम समवन एंड दैट्स महेंद्र सिंह धोनी। एंड ऑफ कोर्स धोनी के साथ साथ और एक बड़ा प्लेयर रिटायर हो रहा है, सुरेश रायना। मतलब क्या दोस्ती है यार दोनों की, मेरे पास सही में कोई वर्ड्स नहीं है। सुरेश रायना का ना एक चीज़ मेरे को बहुत ही पसंद है एंड आई एम श्योर ये आपने भी बहुत सोशल मीडिया पर देखा होगा, नो मैटर वेयर एवर यू आर इन द फील्ड, इफ यू गेट अ कैच सुरेश रायना विल फाइंड यू, कम टू यू एंड विल गिव यू अ टाइट हग एंड कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट कैच। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। आई थिंक ही इज रियली डाउन टू अर्थ, उसका वो एटीट्यूड आता है कि इज रियली डाउन टू अर्थ एंड ऊपर से भाई वो क्या फील्डर है सुरेश रायना, उसके एक से एक कैचेस मैंने देखे, मतलब कमाल के कैचेस हैं उनके भी। दिस इज अ सैड थिंग फॉर ऑल ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस कि महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रायना रिटायर हो रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टू से। Now I'll be giving my mic to my cousin brother Het and he'll be sharing his experience with you regarding the same. 2019 के बारे में तो हर्ष भाई ने आपको सब कुछ बता दिया, पर जो मेन चीज है वो हर्ष भाई ने आपको बताया ही नहीं, वो है 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है वो मेरे फ्रेंड महेंद्र सिंह धोनी के कारण जीता। लास्ट सिक्स जो महेंद्र सिंह धोनी की थी, हेलीकॉप्टर शॉट है वो, हेलीकॉप्टर शॉट गाइस। सो सैड टू फीलिंग mind that Mahendra Singh Dhoni and Suresh Raina both are retired. What to do? अब हम उसे रोक तो नहीं सकते। एक्चुअली 90s किड के चाइल्डहुड के जितने भी प्लेयर्स थे आई थिंक अभी सब रिटायर हो चुके हैं एंड दिस इज लाइक द नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेट टीम। ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, बट स्टिल वी हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रायना एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड. एंड अगर आपने वो अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खुद के इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, आप वो वीडियो देखो एंड आई स्वेयर आप बिना गूज बम्स के नहीं रह सकते. क्या वीडियो है, मतलब उसमें से फोटोज है, इट्स लाइक अ स्लाइड शो बट इट्स सो रिलेटेबल. आई लिटरली क्राइड आफ्टर दैट, आई गॉट सो मच ऑफ गूज बम्स एंड इट वॉज रियली इमोशनल फॉर मी. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. 99% ने तो देखा होगा बट फॉर 1% आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. आप जाकर के वो वीडियो देख लेना. एंड वीडियो से बात याद आई कि आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई डोंट नो, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पर और बैठा रहा ना तो सच में रो देने वाला हूँ. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा फॉर व्हाट्स एवर रीजन, हिट अ लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एंड ऑल्सो रिंग द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय. मैं पल दो पल का शायर हूँ.